हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप, आप देख रहे हो टेलीविजन ताज। आपके लिए नॉर्मल सा टॉपिक है जो कि खिलौना बनाने वाले यहाँ पर, वो भी इलेक्ट्रिकल फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि ये काम करेगा टरबाइन की जरिए। तो यहाँ पर जो है लेंस का जो मैंने गियर यहाँ पर लिए गए हैं, जिसके अंदर से मैंने तीनों गियर उसी प्रकार से रख दिए है, मोटर भी उसी प्रकार से रख दिया है। लेकिन ये काम कैसे करते हैं मैं आपको इसके आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर एक एलईडी है जो कि 1.5 वैट से लेकर 2 वैट तक ये चल जाएगा, लेकिन इसके अंदर 2 सेल लगने चाहिए जो कि 3 वोल्ट तक ये चल सकता है। तो यहाँ पर हम इसे एक छेद करेंगे और उसके अंदर इस एलईडी को लगाएंगे। पहले तो मैं इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर ये जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा, ताकि ये मोटर की सहायता से इसके अंदर चलने वाला है। तो यहाँ पर हम इसकी जो वायर है प्लस माइनस पॉजिटिव निगेटिव को इस जगह पर हमने जोड़ दिया है। अब इसे हम ट्राई करने वाले कि आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर जो है एलईडी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट हो रहा है, इसके एलईडी है जो कि ब्लिंकिंग कर रहा है। तो अब इसकी पावर बढ़ाने के लिए इसके अंदर में दूसरा एक मोटर है जो यहाँ पर इंस्टॉल करने वाला। तो स्क्रीन पर आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि ये जो बल्ब है ये इसके अंदर चल रहा है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर खिलौना ही बना सकते हो, या प्रोजेक्ट के तौर पर भी स्कूल या किसी और जगह पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सेमी मोटर है जो कि 3 वोल्ट पर भी चल जाती है, और हम लेने वाले हैं अपनी ग्लू गन कैंडी की मदद से। तो ग्लू गन है मेरे पास, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करने वाला क्योंकि ज़्यादा देर तक मुझे ये लगने वाला नहीं है। स्टिक को मैं यहाँ से इसे लगाकर चिपका देता हूँ मोटर को अच्छी तरह से, और यहाँ पर जो है बेल्ट को इसके ऊपर लगवा देते हैं। पहले तो इसकी वायरिंग करके पॉजिटिव को निगेटिव निगेटिव को, मतलब इसके सीरीज वायरिंग करके, ताकि दोनों का वोल्टेज इसके अंदर हो जाए। तो यहाँ पर एलईडी को मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया है। अब इसको हम शोल्डर की सहायता से चिपका लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से इसके जो जम्पर है वो यहाँ पर रहे। तो देख रहे हो ब्लैक एंड वाइट दोनों ही मोटर को इस प्रकार से वायरिंग इसके अंदर दिख रही है। तो हमको क्या करना है कि ब्लैक वाला एक और रेड वाला एक यहाँ पर लेना है, ताकि ये सीरीज में यहाँ पर हो जाए। तो यहाँ पर मैं पहले तो इसे जम्पर कर देता हूँ, यहाँ पर शोल्डर कर लेंगे इन दोनों वायर्स को, और आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है, ताकि आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से ये जो है मोटर हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कतिल की सहायता से मैं यहाँ पर चिपका दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हो इसका जो सीरीज़ है मैंने कर दिया है दोनों मोटर का। अभी एक ही रोटेशन में ये चलेगा, क्योंकि अलग अलग रोटेशन में चलेगा, तो इसका जो दोनों ही मोटर एक ही रोटेशन में चलनी चाहिए, ताकि आपकी विद्युत है ज़्यादा बन सके और इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाए। क्योंकि खेलने के लिए खिलौना भी अच्छा है और प्रोजेक्ट के लिए भी यहाँ पर है। देख रहे हो एक ही मोटर पर मैं इसे चला रहा हूँ, तभी भी इसकी एलईडी जो है ग्लो कर रही है। अब हम यहाँ पर चलाने वाले हैं 2 मोटर की तरफ से। तो यहाँ पर इसका जो बेल्ट है सिर्फ खींच के इसके ऊपर लगाने वाला हूँ, इस गियर के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने इस बेल्ट को लगा दिया है, आप देखते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कितनी पैदा होती है। देख सकते हो नॉर्मल समय यहाँ पर घुमा रहा हूँ, तभी भी इसके अंदर जो है विद्युत प्रवाह हो रहा है, मतलब डबल मोटर के कारण यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर बन रही है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर हम यहाँ भी से मिनी जनरेटर भी कह सकते हैं, और बच्चों का खिलौना भी कह सकते हैं। इसका सिर्फ इसे स्टिक लगाना है और इसे खेलने के लिए यहाँ पर बच्चों को देना है। देख रहे हो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर बन रही है, और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर ग्लो करती है। नाइट में ये ज़्यादा ही ग्लो करेगा। आप चाहे तो इस प्रकार से बड़ा भी स्तर पर इसे बना सकते हो। ये पूरी तरह से वर्क कर रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर वर्क कर रहा है। ये हो गया खिलौना। आप यहाँ पर इसके अंदर बड़ा इसकी जगह पर चाक लगाकर भी इसे खेल सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।